वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रिपेयर सॉल्यूशन में। और आप देख सकते हैं ये LG का सिंगल डोर फ्रिज है, इन्वर्टर फ्रिज है ये। तो आज इसको हम नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर इसमें लगाएंगे, 220 वोल्ट का कंप्रेसर। तो उसी की पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि आप LG सिंगल डोर फ्रिज में 220 वोल्ट का कंप्रेसर कैसे लगा सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने बैक साइड में इसमें 8 बैंड का कंडेंसर लगाया हुआ है, 8 रो का जाल लगाया हुआ है कंपनी ने। और इसमें थोड़ी सी लाइन कंपनी ने अंदर भी दी हुई है। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट बिल होगा तकरीबन R134A 70 ग्राम्स के आसपास इसमें रिफिल होगा। और ये इसका सारा स्पेसिफिकेशन है। 8 बैंड का जाल है और कंपनी ने इसमें थोड़ा सा कंडेंसर कैबिनेट के अंदर भी दिया हुआ है। तो ये इसका इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो इसे हम हटाकर यहाँ से बिल्कुल अलग कर देंगे अभी, क्योंकि हम इसकी जगह पर लगाने वाले हैं 220 वोल्ट का कंप्रेसर जो कि R134A से रन करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंप्रेसर को यहाँ से बाहर निकालेंगे। ये हमने चार्जिंग का पाइप तोड़कर इसकी जितनी भी इसमें R600A गैस है सारी हमने यहाँ से बाहर निकाल दी है। ध्यान रहे कि जब भी आप R600A गैस बाहर निकालें तो बाहर कुछ भी फ्लेमेबल चीज़ नहीं हो, जैसे कि कोई कैंडल ना जल रही हो, दिया या गैस नहीं जल रही हो। तो हमने यहाँ पर इसकी सारी रेफ्रिजरेंट बाहर निकाल दी है। और अब इसके जो डिस्चार्ज का वायर है उसे हम कट कर लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद इसका जो सक्शन का वायर है इसे भी हम ट्यूब कटर से कट कर लेंगे। तो ये हमने इसका कंप्रेसर के जो तीनों इसको कंप्रेसर के जो पाइप हैं इनको हमने कट करके अलग कर दिया है। तो अब इस कंप्रेसर को हम यहाँ से बिल्कुल आउट कर देंगे। R600A पे रन करने वाला कंप्रेसर, इन्वर्टर कंप्रेसर LG का। तो इसको हम इसकी जितने भी क्लिप्स हैं इसको भी हम बारी बारी करके यहाँ से बाहर निकाल देंगे, जिससे कि हम इसको कंप्रेसर को बाहर निकाल सकें। तो ये हमने इसकी क्लिप्स यहाँ से बाहर निकाल दी है कंप्रेसर की। तो इसमें जितने भी क्लिप्स हैं आप धीरे धीरे करके इन सारी क्लिप्स को आउट कर देंगे और यहाँ से इस कंप्रेसर को बिल्कुल ही बाहर निकाल देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, बताते हैं आपको आज इसमें हम 220 वोल्ट का कंप्रेसर कैसे लगाएंगे। तो बहुत से जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनका कई बार कमेंट आया कि सर ये इन्वर्टर कंप्रेसर में 220 वोल्ट का जो कंप्रेसर है हम किस तरीके से लगाएंगे। तो आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर होने वाला है कि इसको हमने बिल्कुल सारे पाइप कट कर दिए हैं। और ये जो इसका जैक है इन्वर्टर कंप्रेसर का, जिसमें कि रिले नहीं लगी होती, खाली 3 तार का जैक लगा होता है, तो इसे भी हम यहाँ से कंप्रेसर में से आउट कर देंगे। तो ये हमने इसका जैक निकाल दिया पेचकस से, क्योंकि हाथ से नहीं निकल रहा था। तो अभी ये कंप्रेसर हमारा बिल्कुल फ्री है बाहर निकलने के लिए। तो इसको हम यहाँ से अब बाहर निकाल देते हैं कंप्रेसर को। इसकी जगह पर हम जो है दूसरा कंप्रेसर फिट करेंगे थोड़ी देर में, बताएंगे आपको। तो ये हमने कंप्रेसर निकाल के यहाँ से बाहर कर दिया है। ये अर्थिंग का वायर भी कट कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमने कंप्रेसर बिल्कुल बाहर निकाल दिया। अब जो सेकंड जो इसका फेस है इसमें हम इसको यहाँ से इसकी इन्वर्टर PCB को यहाँ से बिल्कुल अलग कर देंगे, क्योंकि हमें जब हम 220 वोल्ट का कंप्रेसर लगाएंगे तो हमें इस PCB की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अब जो ये रन करेगा, जनरली 220 वोल्ट पर रन करने वाला कंप्रेसर हम इसमें लगाने वाले हैं, तो ये PCB को हम इन्वर्टर PCB को भी यहाँ से बिल्कुल हटाकर अलग कर देंगे। तो इसमें जो बेसिकली PCB में 4 स्क्रू लगे होते हैं, तो ये 4 स्क्रू हमें पहले खोलने हैं PCB को हटाने के लिए। तो ये PCB हमारी आसानी से बाहर आ जाएगी। ये हमारा पूरा बॉक्स बाहर आ गया PCB का। और अब इसमें जो 2 स्क्रू इसमें भी लगे होते हैं, तो यहाँ से इनको खोल लेते हैं। ये दोनों स्क्रू को भी खोलने के बाद हम दिखाते हैं आपको जो इनमें इन्वर्टर PCB लगी हुई है। तो सबसे जो बड़ी समस्या आती है हमारे साथ कि इसका जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो इजीली अवेलेबल ना होने की वजह से ही हमें इसमें 220 वोल्ट का कंप्रेसर लगाना पड़ता है कई बारी। तो ये वीडियो बेसिकली इसी के लिए, अगर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर ना मिले तो आप इसमें 220 वोल्ट का कंप्रेसर लगा सकते हैं। तो ये PCB देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी सारे जैक्स लगे हुए हैं।
चार जैक इसमें लगे होते हैं, तो इन चारों जैक्स को हम इसमें से अलग कर लेंगे पीसीबी में से। दो जैक पे 220 वोल्ट सप्लाई जाती है और एक इसका थर्मास्टेट का, एक इसमें ओवरलोड का होता है और एक इसमें जो UVW का होता है। तो ये चारों जैक को हम बाहर निकाल लेंगे। दो जैक पे 220 वोल्ट सप्लाई आती है और एक पर जो है ओवरलोड की आती है और एक पर तीन वायर UVW के जो कि कंप्रेसर में जाते हैं। तो इन चारों जैक को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम ये वाला जैक बाहर निकालेंगे और ये 220 वोल्ट का जैक है और इसी को हम यूज़ करने वाले हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो आइए सबसे पहले इसी जैक को निकालते जो कि हम कंप्रेसर चलाने के लिए यूज़ करेंगे। तो बाकी और जो तीन जैक हैं इनको भी हम दोबारी बारी करके बाहर निकाल लेंगे। ये जितने भी तीनों चार जैक हैं चारों के चारों हम बारी बारी करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने पीसीबी यहाँ से बिल्कुल अलग कर दी है, इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोई भी। तो ये हमारा जो इन्वर्टर कंप्रेसर चलाने वाला जो सिस्टम है ये सारा हम यहाँ से बाहर निकालेंगे धीरे धीरे करके। तो ये चारों जैक में से सबसे पहले हम जो दो जैक हैं इनको अलग करते हैं, जो कि एक 220 वोल्ट का है और एक जो UVW वाला है। तो ये तो देखिएगा ये चारों जैक्स हैं, इनमें से हम ये जो कंप्रेसर पे लगने वाला जो जैक है सबसे पहले उसे अलग कर देंगे इसमें से। तो ये क्लिप लगी हुई है, क्लिप को हमें खोलना पड़ेगा, जो ब्लैक कलर की क्लिप लगी हुई है। पहले हम इसको यहाँ पर एक केबल टाई लगी हुई है, ये इसका जैक है, इसी जैक को हम बनाने वाले हैं 220 वोल्ट का जैक जो कि कंप्रेसर में लगेगा 220। देख सकते हैं आप ये दो वायर इसमें हैं ब्लू और ब्लैक कलर के। तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी टेपिंग लगी हुई है, पहले इसको यहाँ से हटाते हैं। तो हमें जितना भी यहाँ पर गुच्छा बना हुआ है तारों का हमें इसको सबको सिंपली तरीके से हटा देना है, और जिससे कि देखने में भी अच्छा लगेगा। और बाकी इसको कट कर देते हैं यहाँ से इस वाले जैक को। तो ये कट करने के बाद हमारे पास दो वायर निकल के आएंगे ब्लू और ब्लैक कलर के, यही हम यूज़ में करने वाले हैं इसको कंप्रेसर को चलाने के लिए। और मेन जो काम है इन दोनों वायर्स का ही है। तो बाकी जो तीन जैक पीछे पड़े हुए हैं उन्हें हमें बिल्कुल यहाँ से हटा देना है, सिर्फ ये दो वायर हमें यूज़ करने हैं जो कि देख सकते हैं आप ब्लू और ब्लैक कलर के वायर हैं। बाकी वायर्स का हमें कुछ काम नहीं है यहाँ पर। तो हम इन जो वायर्स को यहाँ से हमने कैबिनेट में जो जैक लगा होता है फ्रिज की उसको हमने बाहर कर लिया है। कैबिनेट का जैक फ्रिज में कैबिनेट में लगा होता है जैक ये बाहर कर लिया, तो हम इसको आसानी से सारे वायर्स को इसमें यहाँ से अलग कर लेंगे। केबल टाई हमने यहाँ से कट कर दी। तो केबल टाई कट करने के बाद हमारे जो वायर्स हैं आसानी से बाहर आ जाएंगे। जो क्लिप लगी हुई है हमें इस क्लिप को भी खोलना है यहाँ से, तो ये पेचकस की हेल्प से इसका लॉक खोल देंगे क्लिप का। लॉक खोलने के बाद इसके जो दो जैक हैं ये अलग हो जाएंगे एकदम। तो ये जो कंप्रेसर में लगने वाले जो जैक थे वो हमारे बिल्कुल अलग हो गए हैं, और ये इसमें जो कैबिनेट में लगने वाला जो कनेक्टर है ये वो है। और अब हमारे पास खाली ये चार वायर बचे हैं, जो कि दो हैं ब्लू ब्लैक और एक ये इसके साथ अलग से लगा हुआ जैक। तो हमें जो है चाहिए खाली दो वायर चाहिए वाले, और बाकी जो ये दूसरा जैक है हमें इसको भी बिल्कुल कट करके यहाँ से अलग करना होगा। जो दो वायर्स बच रहे हैं हमें इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ओनली ये ब्लू और ब्लैक वायर चाहिए। तो हम ये दो वायर्स को इनको भी यहाँ से कट कर देंगे। तो कटर दीजिए ज़रा, इसको देखिएगा, हम इसको कट कर देते हैं। ये हमने दोनों एक्स्ट्रा वायर ये भी यहाँ से कट कर दिए। तो अब हमारे पास फ्रिज की कैबिनेट में से निकलने वाले सिर्फ ये दो वायर बचेंगे। तो जो दो वायर हैं इनको भी हम टेप कर देते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों वायर का भी कुछ काम नहीं है। इसको टेपिंग कर देंगे। टेपिंग इस तरीके से करें कि दोनों तार आपस में शॉर्ट ना हो। पहले एक वायर को टेप करें, फिर दूसरी वायर को भी उसके साथ टेपिंग कर दें। तो
इन दोनों वायर्स को हमें अलग अलग ही टेप करना है, ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो हमने दोनों वायर को अलग अलग टेपिंग कर दिया है, ये डिसमेंटल कर दिए हमने दोनों वायर। तो अब हमारे पास बचे हैं खाली ये दो वायर, ब्लू और ब्लैक कलर के, जो कि हम कंप्रेसर चलाने में इस्तेमाल करने वाले हैं। आइए इन पे अब हम थिंबल लगाएंगे। तो सबसे पहले वायर कटर से इसके आगे का हिस्सा काट लेते हैं दोनों वायर का, और इनको हम थिंबल लगाएंगे, जो कि हम रिले ओवर लोड में लगाएंगे थिंबल। तो ये हम में दो थिंबल लगा लेते हैं, ये हमारे पास थिंबल अवेलेबल है पहले से, तो ये हम क्लास से अच्छे से दो थिंबल इसमें लगा लेते हैं। थिंबल लगाने के बाद हम दिखाएंगे आपको कि हम इसमें ओवरलोड कौन सा यूज़ करेंगे, सिंगल डोर फ्रिज में आप कौन सा ओवरलोड यूज़ करने चाहिए आपको। ओवरलोड भी कैपेसिटी के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए। तो ये हमने इसमें थिंबल लगा दिए दोनों। अब हमारे पास जो बचेंगे खाली ये दो वायर बचेंगे, बाकी सारे जो तारों का गुच्छा था वो हमने सारा अलग कर दिया है। तीनों जैक हमने यहाँ से हटा दिए हैं, और ये हमारे पास अब आप तो देखेंगे सिर्फ दो वायर हैं, जो कि बहुत ही आसानी से कोई भी टेक्नीशियन इन्वर्टर फ्रिज को, एलजी के इन्वर्टर फ्रिज को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये जो जैक है ये हम कैबिनेट में वापसी दोबारा लगा देते हैं यहाँ पर, ये हमने जैक इसका कैबिनेट में लगा दिया है। इस जैक के अंदर एक मेन लीड जो आती है डायरेक्ट, उसका तार होता है, और बाकी जो ये हमारे जो एक्स्ट्रा दो तार नहीं है वो बचे हैं खाली इसमें। तो ये हमने इसका कनेक्टर लगा दिया, और अब हमारा ये लगभग काम सारा कंप्लीट है। और आप देखेंगे अब इन जो दो वायर्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें अब हम ओवरलोड लगाएंगे और रिले लगाएंगे। तो ये हमारे पास कंप्रेसर अवेलेबल है 220 वोल्ट का, जो कि रिले ओवरलोड से ऑपरेट होगा। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं कंप्रेसर को, और इसमें जो इसके लैक्स की रबड़े वगैरह सारी फिट वगैरह करके इसको हम इंस्टॉल कर देंगे वापसी कैबिनेट के अंदर। तो ये हमने इसकी लैग की चारों रबड़े लगा देते हैं, और देखिएगा आप इसमें हम इसको फिट कर देते हैं। तो कंप्रेसर फिट करने के बाद जैसे कि आपने इसके सारे लॉक्स निकाले थे पहले, वो सारे लॉक्स आप सही से लगा दें। हम टाइम वेस्ट ना करने की वजह से हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। तो ये हम जो है देख सकते हैं आप, ये हमारा एम्पियर मीटर है, इसे हम 220 वोल्ट पर 750 एसी वोल्ट पर सेट करेंगे 220 वोल्ट चेक करने के लिए। जो हमने थिंबल लगाए हैं उन पे सप्लाई दिखाते हैं अभी आपको, उन पे सप्लाई कितनी सप्लाई आएगी। तो ये हमारे थिंबल हैं, इनमें हम आपको मल्टीमीटर की दोनों नीडल को लगा कर दिखाते हैं। ये देखिए कि हमने एम्पियर मीटर अपना एसी सप्लाई पर सेट कर दिया है, और अब इसमें दिखाते हैं आपको, ये हम इसका प्लग लगाएंगे एसी सप्लाई में। तो हमने प्लग लगा दिया, आप देखेंगे एम्पियर मीटर के अंदर कितनी वोल्टेज शो करेगा। ये देखिए हमने प्लग लगाकर स्विच इसका ऑन कर दिया है, और आप देखेंगे इन दोनों वायर पे कितनी वोल्टेज शो हो रहे हैं। आप देखेंगे दोनों वायर पर 250 वोल्ट के आसपास आपको दिखेंगे, नज़दीक से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये 253 वोल्टेज जो हैं इन दोनों वायर्स पे हमें मिल रहे हैं। तो हमें कंप्रेसर चलाने के लिए ये 250 एसी वोल्ट जो चाहिए होती है वही यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रही है इस टाइम पे। तो इसके बाद हम आपको चेक करवाएंगे कि ये थर्मोस्टेट पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए हमने थर्मोस्टेट का बटन प्रेस करा और यहाँ पर वोल्टेज
ड्रॉप होकर 68 वोल्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब है कि इसका थर्मोस्टेट भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो हमने बटन प्रेस करा तो वहाँ पर वोल्टेज 68 हो गए। देखिए दोबारा प्रेस करा हमने बटन थर्मोस्टेट का तो यहाँ पर 60 वोल्टेज ड्रॉप हो गए। तो इसका मतलब थर्मोस्टेट पर भी सही फ्रिज काम करेगा, मतलब कि ये डिफ्रॉस्ट भी सही होगा एकदम, मतलब ऑटोमेटिक जैसे आपका सिंगल डोर फ्रिज काम करता है उसी तरीके से काम करेगा अगर हम दोनों वायर्स को यूज़ करेंगे। तो ये हमने ओवरलोड ले रखा है TRB19 सिंगल डोर फ्रिज में लगाने के लिए। तो ये सिंगल डोर फ्रिज में TRB19 का ओवरलोड ही यूज़ करना चाहिए। तकरीबन 220 लीटर तक के फ्रिज में ये आपका काम करता है। 185 लीटर से 220 वोल्ट तक TRB19 का ओवरलोड काम करता है कंप्रेसर को सेफ रखने के लिए। तो ये ओवरलोड में हम जो वायर लगाएंगे ये ब्लैक कलर का वायर लगाएंगे और ये जो ब्लू कलर का वायर है वो हम रिले पर लगाएंगे। ये हमने ब्लू कलर का वायर रिले पर लगा दिया है और ये जो है ब्लैक कलर का वायर ओवरलोड पे। अब हम इन दोनों वायर्स को कंप्रेसर में लगा देंगे, ओवरलोड को भी और रिले को। तो ये हमारा जो है इन्वर्टर फ्रिज को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी जो आगे का काम है वो तो आप सब जानते हैं कि इसके बाद कंप्रेसर हमारा रन कर जाएगा तो आपको गैस चार्जिंग रिफिल करनी है। इसमें सारे सक्शन डिस्चार्ज और चार्जिंग का पाइप लगाकर इसमें गैस रिफिलिंग का काम आप करेंगे तो आपका फ्रिज ओके हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है, अब इसको हम कंप्रेसर को भी आपको रन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर प्लग इन करके हमने इसका स्विच ऑन करा और अब आपको कंप्रेसर चला के दिखा देते हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्रेसर चल चुका है। ये हम इसकी रबड़ बाहर निकाल देते हैं और आपको दिखाते हैं फ्लश करके। ये देखिए 220 वोल्ट पे हमारा कंप्रेसर रन कर रहा है, 220 वोल्ट एसी। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेसर सक्सेसफुली रन कर रहा है और अब आप इसमें गैस चार्जिंग का काम करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।